भाई हर गोल ग्लास में डिफरेंट रंग की ड्रिंक शराब नहीं होती, वो मेरी रील पे भी जो ना लोग कह रहे हैं शराब पीच पीच है यार, आड़ू की ड्रिंक है, साथ में बर्गर मंगाया भाई। एक बार हम लोग यहाँ से रैंडमली वॉक कर रहे थे शेख मोहम्मद, इस बार नहीं वो ग्रीक रेस्टोरेंट है आगे, आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक यही वाला है, तो वो ही जस्ट कैजुअली वॉकड आउट। यार अब उस लड़की के कहाँ जूसी लिखा हुआ है यार, एक मज़े की खुशबू होती है वेरेवर यू गो इन दुबई, वो उन्होंने लोमान शोमान लगाया होता, देखो अपार्टमेंट भी करे सड़क पे, मतलब वाइब ही अलग है ना। हाँ जी, सो वेयर एट JBR और कुछ यादें हैं यहाँ पे भी, और आप आपको बताएंगे क्या यादें हैं, बस जरा पार्किंग ढूंढ लें, यहाँ पे पार्किंग बड़ी अजाब होती है। खैर अब तो पार्किंग बन गई है, बट बैक इन द डे जब यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं थी, लगा ही नहीं सकते थे, और 2 दिसंबर को यहाँ आना ही नहीं, UAE का नेशनल डे होता है जैसे आपको बताया था, ये देखो दरख्त पे UAE की पूरी साइनेज हुई भी है, ब्रांडिंग हुई भी है झंडे की, तो भाई इधर तो आना ही नहीं। JBR और भूख लगी है? भूख लगी है। बर्गर खाते हैं यार आज? फाइव गाइस खाएं? फाइव गाइस यार। फाइव गाइस वाली भूख तो है। जो होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। अरे रे, अबे क्रॉक्स को लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, क्रॉक्स की वेंडिंग मशीन है, स्टोर तो नहीं लग रहा है ये? नहीं, ये बच्चों का नौटंकी, बच्चे लगे हुए यहाँ पे। ओनली इन दुबई डू यू सी के सड़क किनारे अपार्टमेंट्स बिक्रे होते हैं, आए होते हैं भाई लोग, आए हुए। सर ये मेरा फेवरेट सिनेमा है रॉक्सी, रॉक्सी में मैंने देखी थी सली, सली देखी है तुमने? नहीं। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई वॉच्ड, बड़ी अच्छी मूवी थी। आज फॉर्मूला वन थी यार, फॉर्मूला वन के टिकट्स भी थे, टिकट्स भी थे बट नहीं जा सके, वो भी प्लस यार जिसके साथ जाना था वो ही नहीं पहुँचा टाइम पे, वीज़े नहीं मिल रहे भाई, बहुत वीज़ा रिजेक्शन हो रही है, तो ये ज़रा आपने ख्याल रखना है। एक जो पौध आजकल धोए में आपको बहुत दिख रही है, आजकल तो खैर नहीं साल से ऊपर हो गया, वो है यंग अर्ली 20s क्रिप्टो मिलियनेयर्स। यस दे आर भाई, रशियन बॉयज 21 साल के बच्चे बच्चे, लेकिन भाई जो गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, पहले यू वुड हैव थॉट माफिया मनी है क्या है, है? अभी सारा क्रिप्टो सीन है भाई, इवन के नाउ आप प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे क्रिप्टो से बाय कर सकते हैं। हाँ ये भी यहाँ पे तो आप भाई USDT से पेमेंट्स हो रही होती है, इनफैक्ट मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि भाई क्लाइंट व्लाइंट यहाँ पे मिले तो USDT में पेमेंट पकड़ लो, चलता है यहाँ पे, कैसा मेरा भाई, तो ये भी बड़ा सीन है। अच्छा अब यार व्लॉग में मैं अब क्या अपनी शक्ल दिखाऊँ, वैसे आई अंडरस्टैंड कि वो मैं कम आ रहा हूँ और दुनिया ज़्यादा आ रही है, भाई ये देखने का ना, अभी ये चेक सामने, ये चेक करो, ये ज़्यादा देखने का है ना, मेरे को देख देख के थक गए हो यार, 10 साल से देख रहे हो। इंडिया पैलेस, इंडियन आपको फाइन डाइन मिल जाएगा, पाकिस्तानी फाइन डाइन है कोई? आई डोंट थिंक सो, नहीं है। एक बारबेक्यू डिलाइट होता था, आई डोंट नो कितना पाकिस्तानी है। खैर सो मैं जिस जगह पे स्पेशल जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ JBR में, वो सामने लाइफ फार्मेसी दिख रही है उसके पास है, और वही वाली बात है, लुकिंग बैक टू द पास्ट तो बड़ी चीज़ें उनकी क्लैरिटी मिलती है, और बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है यार। तो अभी 2 मिनट में वहाँ पहुँचता है, और जिस तरह का ये क्या हाल है,
क्या ये एंड डालते फिर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, वीडियो बना रहा हूं, माइंड तो नहीं करोगे? ना ना बिल्कुल, कैसे हो? ठीक हो? व्लॉग में भी डालिएगा, डाल देंगे, डाल देंगे। थैंक यू गाइस। देखिए भाई, चलते फिरते प्यार मिलता है यार। ये देखिए, ये बैग में जो मैं कह रहा था खरीदना है, ये वाला ये लेने आ। ओ हां यार, ये एयरपोर्ट पे काफी बैग लेना है। Anyway, Dave's Hot Chicken. Yeah, it's a very nice Rixos Hotel. And it's a lock stock. Hai. LBS, my favorite music bar. So, bhai, ye jo yahan crazy mask likha hua hai, this used to be Frankie's बार एंड ग्रिल। तो फ्रैंकीज बार एंड ग्रिल था, इटालियन बार था, ग्रिल व्रिल खाना मैंने का। तो यहाँ पे हर वेंसडे को स्टैंड अप होता था। आई एम नॉट श्योर मेरे पास उसकी कोई तस्वीरें यार, एक तो फोन इतने चेंज हुए हैं। कौन सा? आई एम टॉकिंग 2014-15 स्टैंड अप कॉमेडी। यप, तो मतलब स्टैंड अप तो मैं पाकिस्तान से करता हुआ आ रहा था। दुबई में 12 में शुरू की थी डिफरेंट बार्स में। ये बड़ा अच्छा वेन्यू था और यहाँ पे हम हर वेंसडे को आते थे। हमें कूपन मिलता था और उसमें दो ड्रिंक्स फ्री होती थी, तो एक मेरी रेडबुल होती थी और एक कोई ना कोई दोस्त आता था उसको रेडबुल पिलाते थे। सो आई वेरी गुड टाइम। और इधर भाई फुल अंग्रेज क्राउड होता था। एक बार एक सीरियन था, ड्रंक था, और वो आपके भाई को हैकलिंग कर रहा था और तंग कर रहा था। बीच में बोले जा रहा है, यू इंडियंस आर नॉट फनी, मतलब ऑब्वियसली रेसिस्ट। तो मैंने उसको बोला, ब्रो कैन आई बाय यू अ शॉट ऑफ टेकीला? He's like, no, 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 I'm good. No, 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 please allow me, because the sooner you pass out, the better it is for all of us. Abhe, the crowd went mental. Abhe, aisa embarrass ho na, phir chup karke baitha. Hecklers ki to le leta tha aapka bhai. To bhai, ab wo time bhi ek time tha, aur ab ye time bhi ek time hai. Socha nahi tha, in jagahon pe aayenge dobara, to different mode mein honge. Kyun Fadi? Different way, different style. Different mode, different life. बड़ा मज़ा आता था यार यहाँ पे। और भी आपको वेन्यूज दिखाऊंगा जहाँ जहाँ मैं परफॉर्म करता था। एक तो रॉक बॉटम नाम था, क्या नाम था? अच्छा, काफ़ी लोगों को रमी रोज होटल में था रॉक बॉटम। हाँ, रॉक बॉटम। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वेयर यू यूज्ड टू डू दिस थिंग्स। अबे आप लोगों ने मेरा ये वाला देखा है? अंग्रेजी स्टैंड अप को तो पता ही नहीं है। एक तो मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ हैं, आई एम जस्ट टू एम्बेरस टू शेयर। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर वेरी दुबई रिलेटेड जोक्स, तो वो वैसे नहीं समझ आने हैं लोगों को जो लोग यहाँ नहीं रहते। बिकॉज मैं यहाँ रहता था और जो सुन रहे हैं वो भी रहते थे, तो रिलेटेबिलिटी वहाँ थी, एक ये वजह। दूसरा, बस मुझे ना अपनी आवाज़ सुनने में बड़ी, मैं अपने व्लॉग्स नहीं देखता, मैं अपनी पॉडकास्ट कुछ भी नहीं सुनता, मुझे अपनी आवाज़ बड़ी ऑफ लगती है। मतलब इनसिक्योरिटी तो खैर नहीं है, इट्स जस्ट आई फाइंड इट वेरी वियर्ड। मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाता फॉर सम रीज़न दैट माई लाइफ हैज़ टर्न्ड दिस वे। तो भाई काफ़ी स्टैंड अप मटेरियल कुछ ना कुछ इधर उधर फाइलों फोल्डर्स में रखा हुआ है। आपके भाई का स्वैग ही अलग था अंग्रेज़ी में भी। भाई अंग्रेज़ बड़े फ़ैन थे आपके भाई के। पिछले दिनों याद होगा मैंने 11 साल पुरानी तस्वीर लगाई थी अपनी स्टोरी पे, हंस रहे थे अंग्रेज़ खिल खिला के, सीन था यार। बट खैर वो एक अलग था। अच्छा, उसकी भी साइंस अलग थी। आई वॉन्टेड टू डू इन इंग्लिश बिकॉज के 2007-08 में जब पाकिस्तान में पीक टेररिज्म था, तो मैं ये सोचता था यार पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे जो अरब अमेरिकन कमेडियंस थे, एक्सेस ऑफ ईवल, मास जोबरानी, ये पूरा जो ट्रूप था एक्सेस ऑफ ईवल के नाम से, उनसे मैं बड़ा मुतासर था कि यार देखो उन्होंने ह्यूमर को यूज़ करके कम्युनिकेट किया कि यू नो अरब्स आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल, फन लविंग पीपल, वी हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दुनिया को पता चले हम सिर्फ बम ही नहीं फाड़ते, हम फाड़ देते हैं, समझ रहा है? तो इसलिए मैंने अंग्रेज़ी शुरू की और इसलिए मैं दुबई आया कि दुबई में मुझे शायद आई गो इन टू लाइक आई गेट सम रिकग्निशन और फिर मैं अपने स्टैंड अप को कहीं से कहीं ले जाऊँ। मास जोबरानी तक तो आपका भाई पहुँच गया था, मतलब यू नो उसके साथ भी इवेंट वगैरह किए और भी काफ़ी फेमस लोगों के साथ किए। तो खैर यहाँ बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी ना ज़रा सिस्टेमिक आपका लेवल नीचे ही है पाकिस्तानी का। पहले ऑब्वियसली यहाँ पे लेयर्स है ना, गोरे हैं, फिर इमरातीज हैं, फिर लाइक यू नो आप प्रोमिनेंस में नहीं आ पाते, बड़ा मुश्किल है। यू पंचिंग वे अबव योर
टैक्स ब्रैकेट। तो खैर ज़्यादा आगे मामला जा नहीं सका, फिर वो यूट्यूब चल पड़ा और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सो या ये थी बात। व्हाट मेड यू मूव बैक टू पाकिस्तान? व्हाट मेड मी मूव बैक टू पाकिस्तान? यार व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर मनी फ्रॉम पाकिस्तान व्हाइल आई एम सिटिंग हियर, मतलब मैं मेरी तनख्वाह आखिरी तनख्वाह जो थी दैट आई वाज ड्रॉइंग वाज 6,500 dirham, नॉट अ लॉट, क्योंकि करियर ही मेरा पता नहीं अजीब ट्रेजेक्ट्री पे था। यू हैव लाइक उधर ज्यादा तो लाइक हाँ कन्वर्जन जब की जब 6,500 dirham की जब उससे ज़्यादा पैसे पाकिस्तान से आने लगे बिकॉज आई वॉज गेटिंग ब्रांड वर्क, तो मैं जो अपने कमरे से बैठ के अगर मैं फूड पांडा की या टेलेनॉर की वीडियो बना रहा हूँ, दे वर माई फर्स्ट एवर क्लाइंट्स। कौन सा पहले था ये याद ही, मे बी टेलेनॉर वॉज द फर्स्ट। सो जब वो पैसे हैं मैंने बोले अरे तो बड़ा फिट सीन है। मैं इधर यार रोज़ सुबह 6:30 बजे उठता हूँ और अगर मैं 7 बजे गाड़ी में नहीं हूँ तो आई एम गोना बी लेट, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा ऑफ था। फिर अजमान में रहता था। But does it work still like that? क्या अभी भी चलता है उस तरह ही लाइक smoothly the way it's finances like not finances फिर? Like sponsored by the companies bro I travel the world man alhamdulillah things are much stable now। अब तो खैर इंडस्ट्री बन गई है और obviously awareness भी है और yeah अब तो influencers की दुनिया है फिलहाल, for now it's not gonna last forever, कुछ और आ जाएगा but अभी के लिए तो यही लोग चल रहे हैं। चलो यार मेरी तो बहुत सुन ली और मुझे देख भी बहुत लिया, अब ज़रा दुनिया देख लो। यार एक मज़े की खुशबू होती है वेर एवर यू गो इन दुबई, वो उन्होंने लोमान शोमान लगाया होता, देखो अपार्टमेंट बिक रहे सड़क पे, मतलब वाइब ही अलग है ना। खैर ये भी हटा दिए इन्होंने, ये वो ओ हाँ वो नीचे आया हुआ है, वो नीचे आया हुआ है। ओके 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 वो बंद हो गया है, इस पर मैंने चाय पी थी जाके, अजीब यार वो सर में दर्द होता है ऊपर जाओ तो। सो आए वो वो भी है हाँ फेयर्स मिल भी बंद हो गया। सो या एक बार हम लोग यहाँ से रैंडमली वॉक कर रहे थे शेख मोहम्मद, इस बार नहीं वो ग्रीक रेस्टोरेंट है आगे, आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक यही वाला है, हाँ इट्स अ ग्रीक वन। तो वो ही जस्ट कैजुअली वॉकड आउट और उसके पीछे लाइक उसके लोग थे स्टाफ होते हैं 3-4 एंड लाइक पीपल वर रशिंग, obviously you can't cross the king aur zara apne distance maintain karna tha but he was but they never bother someone yeah nahi nahi abbe wo koi wo protocol kuch nahi nahi baj raha hai kuch bhi nahi bhai chilling thi aur aaram se kisi ki zindagi disturb nahi hui, everybody was minding their own business। acha sea view pe na ye hone chahiye, log jab naha ke nikle yahan pe shower le le towels le le, you can charge them or something but समथिंग शुड भी दे रही है। देखिए ना लोमान नहीं लोमान नहीं तो वही पी रहा है, और ये मैंने पहले ही बताया कि ये वाला जो है बिकॉज इट्स अ रनिंग ट्रैक इट्स मच सॉफ्टर, पैर अंदर जाता है इसमें और पेडेस्ट्रियन के लिए हुआ है, लेकिन अब सब चल रहे हैं। हाँ रिलैक्स कर रहे हैं, हाँ जी शीशा सेहत के लिए बहुत बुरा है और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा बट मैं बहुत बदतमीज़ आदमी हूँ तो कभी कभी कर लेता हूँ। सिगरेट तो छोड़ दी भाई, आपको पता है 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल हो गए अलहमदिल्ला, 3.5 साल का तो मेरा बेटा है उसकी पहली बर्थडे से पहले। सो या कभी कभी बस रूह को तस्कीन देने के लिए भाई, हर गोल ग्लास में डिफरेंट रंग की ड्रिंक शराब नहीं होती, वो मेरी रील पे भी जो ना लोग कह रहे हैं शराब पीच है यार, आड़ू की ड्रिंक है साथ में बर्गर मंगाया भाई ने जबरदस्त। चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, लुक्स ग्रेट। चले भाई रात का 1:15 हो गया है एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी शुड हेड होम, सुबह बहुत काम है, वीडियोस वगैरह बनानी है, प्लेयर्स आ गए हैं उनके साथ भी चिलिंग करनी है, तो फिर आपसे मिलते हैं कल, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड सी यू, टेक केयर।